मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर सुधा में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। और लॉकडाउन चल रहा है तो सब घर में ही हैं, जो घर में रहेगा वो सेफ रहेगा। तो अब लॉकडाउन के समय में कुछ तो काम करना है समय बिताने के लिए, तो कुछ ढूंढ ढूंढ के हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे भी टाइम पास हो। मेरे हस्बैंड ने तो अच्छा टाइम पास ढूंढ लिया है, उन्होंने जो रामायण और जो इसका टेलीकास्ट शुरू हो गया दूरदर्शन पे, तो सुबह शाम ही आता है। पर मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब पे पूरी रामायण 4 दिन में देख डाली। उन्होंने मतलब पहला एपिसोड जब देखा वहाँ पे दूरदर्शन पे, उनको अच्छा लगा और उनका इंटरेस्ट जागा, और वो मतलब 3-4 दिन से हमारे घर में यही कि वो बेड पे पड़े पड़े दिन भर पूरा रामायण उन्होंने देख डाला है, शुरू से लेके पूरा अंत तक। कल उन्होंने फिनिश कर दिया। अब बोल रहे हैं जा रहा हूँ सम्राट अशोक का जो पहले सीरियल आता था रात को ही, तो बोल रहे हैं 450 एपिसोड का है वो, जा रहा हूँ अब वो शुरू करूंगा। मैंने कहा अच्छा है, आप तो दिन भर बस अपना लेके बैठे रहो मोबाइल देखते रहो, कुछ और क्या इससे अच्छा टाइम पास क्या होगा। तो आज वो शुरू करने वाले, रामायण उनका कम्प्लीट हो गया है। मैं भी देख रही थी, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखती ताकि जल्दी जल्दी जाए, बहुत थोड़ा स्लो चलता है ना, तो मैं थोड़ा एक मतलब पॉइंट आगे बढ़ा लेती हूँ, उसको तेजी से देखती हूँ मैं। मैं तो अभी कहाँ पहुँची हूँ अभी, हाँ भरत आ रहे हैं मिला उनको श्री रामचंद्र जी को बुलाने के लिए कि आप चलिए अपना राज्य संभालिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम ठीक है, मैं ले तो लूँगा अपना राज्य, पर जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना हो तब तक तुम संभालो। तो वहाँ तक मैंने देखा है और आगे मैं अभी देख रही हूँ ये हो रहा है। साथ साथ अभी दोपहर में मैंने लंच वंच सब कंप्लीट कर लिया है, सबने खा पी लिया, हमारे घर में सारा काम हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं अपना सोच रही थी स्किन केयर रूटीन भी कर लूँ, और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने हेयर भी स्ट्रेट करूँ थोड़ा सा घर पे हेयर स्ट्रेटनर से। तो मैंने हमेशा नहीं करती हूँ, कभी कभार ही करती हूँ, कहीं आना जाना तभी, कोई आना जाना तो है नहीं, फिर भी कुछ नहीं है काम, तो दिमाग में ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं कि चलो हेयर स्ट्रेट लेके हेयर स्ट्रेट कर लेते हैं। हमेशा करने से डैमेज हो जाते हैं बाल, मैं हमेशा नहीं करती हूँ, कभी 6 महीने मतलब मैं 2 महीनों में कहीं कहीं जाना हुआ कोई फंक्शन हुआ तो मैं स्ट्रेट करती हूँ बाल, नहीं तो ऐसे नहीं करती, मुझे मेरी कर्ली हेयर ही पसंद है। तो ये देखिए मैं छत से क्या लेके आई हूँ, दो एलोवेरा जेल के लिए मैं ये एलोवेरा के पत्ते तोड़ के लाई हूँ। अभी मैं इनकी साइड से ये निकाल के और इनके अंदर से जेल निकाल के तब मैं उसको हेयर स्ट्रेटनर के लिए भी अपना यूज़ करूँगी जेल इसका निकाल के, और थोड़ा सा अपने चेहरे पे इसका मास्क भी बना के लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ, मैं छत पे गई थी, बहुत धूप हो रही है इस समय तो धूप में गई थी, इसको लेके आई हूँ। अब मैं इसका जेल निकालने वाली हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बनाते हैं इसका जेल। तो फ्रेंड्स, जेल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एलोवेरा ले लिया है, और इसके किनारे के जो कांटे कांटे जैसे रहते हैं इनको मैं निकाल ले रही हूँ चाकू की हेल्प से, और ऊपर का ये छिलका जैसा है ये भी हटा दे रही हूँ, इसके अंदर ही हमें इसका जेल मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर का जो छिलका है हटा लिया है, थोड़ा सा और है इसको भी हटा लेती हूँ, फिर हम इसको चाकू की हेल्प से ही खुरच खुरच के इसका सारा जेल जो है इसका निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको जेल को अलग कर लिया है, इसके किनारे के जो पत्ते जैसे इसके जो छिलके हैं इसको निकाल देंगे हम। अब देख सकते हैं मैं कैसे निकाल रही हूँ, ये देखिए इतना साफ क्लीन सा जेल हमारे पास आ गया है। इसको मैं मिक्सर के जार में डाल ले रही हूँ, हमें इसको पीस करके ही इसका जेल बनाना है, क्योंकि हाथ से हम इसको कितना भी मैश करेंगे उतना अच्छे से ये नहीं बन पाएगा जितना इसको मिक्सर में हम पीस के बना सकते हैं। ये देखिए दूसरा वाला भी, मैंने दूसरे पत्ते को भी लेके इसके अंदर का जितना जेल है उसको निकाल ले रही हूँ। मार्केट का जेल यूज़ करने से अच्छा है कि घर पर ताज़ा एलोवेरा का जेल बना के यूज़ करें, ये काफ़ी आपके स्किन के लिए और बालों के लिए अच्छा रहेगा एलोवेरा का जेल। एलोवेरा के एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं, और इसको तो मैं अपने स्किन के लिए और बालों के लिए हमेशा ही यूज़ करती रहती हूँ। हमारे घर की छत पे जब भी देखेंगे हमेशा एलोवेरा का एक प्लांट लगा ही रहता है, जब भी ज़रूरत होती है लेके तुरंत ताज़ा जेल बना लो। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया है, यहाँ पे जेल हमारा बन के तैयार है। इसमें थोड़ा सा भी झाग है, थोड़ी देर में ये झाग ख़त्म हो जाएगा और ये एकदम ऐसा ही जल रहेगा जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं पाउच वाला।
ये देखिए मैंने सारा का सारा जो जेल है मिक्सर के जार से इस कटोरी में निकाल लिया है। मैंने अभी सिर्फ दो पत्तों का बनाया है थोड़ा सा ही, क्योंकि मुझे फ्रेश फ्रेश ही बना के यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि छत पे हमेशा लगा है तो बना के रखने का कोई वो नहीं है। आप रखना चाहें तो बना के और इसको किसी शीशी में भर के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। और आज मैं इसका फेस मास्क बनाने वाली हूँ। फेस मास्क बनाऊँगी थोड़ा सा, एक चम्मच एलोवेरा रस में और एक चम्मच हनी डाल के इसको फेस पे लगा के आपको ठंडे पानी से धो लेना है। तो ये देख फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ हेयर स्ट्रेट करने जा रही हूँ हेयर स्ट्रेटनर से। घर पे ही अपने बालों को स्ट्रेट कर लूँगी, तो मैं बालों को सुलझा रही हूँ। बालों में एक भी टेंगल ना रहे इसलिए को पहले अच्छे से सुलझाना होता है। और फिर देखिए मैंने बालों को दो सेक्शन में कर लिया है, डिवाइड कर लिया है और इनको अच्छे से सुलझा लूँगी। देख सकते हैं आप मेरे बाल कितने कर्ली हैं। और मैं आप लोगों से बात करके ही वीडियो बना रही थी, बट मेरे बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ था कि मुझे फिर वॉइस ओवर ही करना पड़ा। ये देखिए मैंने बालों के दो सेक्शन में से भी अलग उनको आगे पीछे का अलग अलग दो सेक्शन और कर लिया है। और जितना जितना भाग को हम स्ट्रेट करते जाएंगे उतने को लेते जाएंगे और बाकी को हम क्लेचर किया क्लिप की हेल्प से अलग सिक्योर कर देंगे ताकि वो इसमें उलझे नहीं। ये देखिए मैं आगे वाले भाग को अच्छे से स्ट्रेट करने जा रही हूँ। इसमें मैं पहले अच्छे से कॉम्ब करके और फिर मैं ये एलोवेरा का थोड़ा सा जेल जो मैंने पानी मिला के रख लिया है इसको थोड़ा सा लेके बालों पे अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि जो जेल होता है उसकी वजह से हमारे बालों पे सीधे हीट का इतना असर नहीं होता है जो स्ट्रेटनर का हीट होता है, पर ना बाल डैमेज होते हैं तो उससे ये होता है। और साथ ही साथ हमारे बालों में शाइन भी आती है। देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है मेरे बालों में, तो उससे अच्छी शाइन भी आती है और बाल मजबूत भी होते हैं वो। तो ये एक तरह से प्रोटेक्ट ही करता है हमारे बालों को। आप हफ्ते में एक बार इसका मास्क भी बना के लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल का। एलोवेरा का जेल लीजिए, बस उसको ऐसे ही मिक्सर में घोल लीजिए या फिर बाहर वाला जेल है वो भी आप बालों में लगा सकते हैं ऐसे ही। तो ये बालों को डैंड्रफ भी ख़त्म कर देता है, ब्लैक और अच्छी शाइनी बनाता है, बालों को मजबूत बनाता है। तो ये देखिए आज मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करने का सोचा है। तो ये देखिए थोड़ा सा आगे का बाल हो चुका है, ये कितना अच्छा और सिल्की लग रहा है, एकदम हल्का हल्का महसूस हो रहा है मुझे। ये देखिए बालों के दूसरे पार्ट को मैंने ले लिया है और मैं इसको भी कर रही हूँ। इसको पहले कॉम्ब्स के हल्का हल्का सुलझाती जा रही हूँ और फिर उस पर स्ट्रेटनर फेरती जा रही हूँ। ये देखिए अब बालों का तीसरा सेक्शन भी मैंने ले लिया है, इसमें भी मैं एलोवेरा जेल को अप्लाई कर रही हूँ और फिर एक बार कॉम करके फिर मैं स्ट्रेटनर यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स पीछे के बालों के लिए अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं और उससे करवा सकते हैं, क्योंकि पीछे के बाल इतने अच्छे से आपको दिख नहीं पाते हैं, तो थोड़े से हो सही से होते हैं, थोड़े नहीं हो पाते हैं। तो मैं तो खुद से ही कर रही हूँ इसको, देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा और एलोवेरा जेल लगा के और इसको अच्छे से करूँगी क्योंकि पीछे के बाल कुछ ज़्यादा ही कर लिए हैं मेरे। ये देखिए बालों में कितनी अच्छी शाइन आ रही है, कितने अच्छे लगने लगे हैं बाल मेरे। इस तरीके से मैं उनको बार बार स्ट्रेटनर फेर के सीधा करती जाऊंगी। ये देखिए भी नीचे के बालों में भी करना है, थोड़े से नीचे के अच्छे से और स्मूथ नहीं लग रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा और जेल लगा के और अच्छे से उनको फिर वापस से स्ट्रेट करूंगी। इस तरीके से आप घर पे बैठे ही अपना बाल स्ट्रेट कर सकते हैं। इस समय तो पार्लर लॉकडाउन में खुलेगा नहीं और पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं। आपको देखिए घर पे कितने अच्छे स्मूथ बाल हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, स्ट्रेट हो गए हैं, शाइनी। अब मैं बालों के ये सेक्शन को खोल लूँगी, अब मैं दूसरी तरफ के बालों को करूँगी। इधर के मेरे बाल हो गए हैं, देखिए कितने स्ट्रेट और सिल्की अच्छे लग रहे हैं।
एक तरफ के बाल देखिए कितने अच्छे स्ट्रेट लग रहे हैं, दूसरी तरफ के मेरे बाल कितने फुले फुले से कर्ली से एकदम। अब मैं दूसरी तरफ के बालों को भी करूँगी। ये देखिए मैंने करना शुरू कर दिया है, पूरा लुक ही चेंज हो जाता है जब आपके कर्ली हेयर से आपके स्ट्रेट हेयर हो जाते हैं तो एकदम पूरा लुक चेंज हो जाता है। ये देखिए अभी बालों के थर्ड इस पार्ट के भी थर्ड सेक्शन को मैं करने जा रही हूँ। इसको भी मैं अच्छे से सुलझा लूँ पहले, क्योंकि कर्ली बाल बहुत उलझते हैं। आप तुरंत कॉम करो और 10 मिनट बाद आप देखोगे तो फिर आपके बाल उलझ जाएंगे। मेरे बाल तो ऐसे ही हैं कर्ली हैं कि हमेशा उलझते रहते हैं, कितना भी कॉम करते रहो तुरंत ही उलझ जाते हैं। तो फिर से मैं इसमें देखिए एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और अच्छे से कॉम करके फिर इसको मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि नीचे में ज़्यादा कर्ली बाल हैं मेरे। ऊपर तो ठीक रहते हैं फिर भी, पर नीचे के ज़्यादा ही कर्ली हो जाते हैं। कर्ली हेयर में ये भी रहता है कि आपके हेयर की ग्रोथ होती भी है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो कर्ल हो के गोल गोल बने रहते हैं और वो दिखता नहीं है कि बाल आपके कितने लंबे हैं। स्ट्रेट होने पे पता चलता है कि हमारे बाल कितने लंबे हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इनको स्ट्रेट करती जाऊंगी। अच्छे से आपको चारों तरफ से बालों को लेके और कॉम्ब की हेल्प से कॉम्ब बाल से लगा के रखना है आपको, ताकि सारे बाल एक एक बाल अलग अलग रहे और सारों पे ही हीट का वो जो असर हो रहा है वो हो, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे। कभी कभी लुक चेंज कर लेना चाहिए। तो आज मेरा मन हो गया कि मैं थोड़ा अपना लुक चेंज कर लूँ, तो आज मैंने बालों को स्ट्रेट करने का सोचा था। ये देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे बाल मेरे अब। जब बहुत दिनों बाद करते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा ही कर्ली हो जाते हैं, फिर उनको करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मुझे भी टाइम लगा था आधे घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। धीरे धीरे करके सारे बालों का अलग अलग सेक्शन बना के थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। ये देखिए स्ट्रेट करके और एक नया लुक ले सकते हैं। ये देखिए कितने शाइनी भी हो गए हैं बाल और कितने हल्के महसूस हो रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को व्यूज़ तो आते हैं, और अभी मैंने चैनल अभी क्रिएट किया है फिर भी उस हिसाब से व्यूज़ ठीक ठाक आ जा रहे हैं। बट क्या है कि अभी व्यूज़ तो आते हैं पर चैनल लाइक नहीं करते आप लोग, लगता है वीडियोज़ देखने के बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। प्लीज़ फ्रेंड्स भूलिए नहीं, मेरे चैनल को लाइक करिए। जैसे ही आप वीडियो शुरू करते हैं देखने के लिए पहले ही लाइक बटन हिट कर दीजिए, उसके बाद में आप वीडियो देखिए तो आप भूलेंगे नहीं। और मेरे चैनल पर खूब सारा कमेंट करिए, आप लोग के जो मन में बातें हैं मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मैं अच्छी और भी कोई अच्छी वीडियो आप लोग किसी चीज़ पे बना के देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। और आप लोगों को मेरा ये नया लुक कैसा लगा और मैं स्ट्रेट हेयर में कैसी लग रही हूँ, कर्ली हेयर इसमें आप लोगों ने मुझे देख ही लिया है और मैं स्ट्रेट हेयर में कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। इस वीडियो में इतना ही, और अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो जल्दी भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।